नमस्कार दोस्तों, जीवन शैली में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले रामायण का लास्ट एपिसोड हमने देखा। रामायण को देश में नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हम सब ने खूब सीखा, बहुत मनोरंजन हमारा हुआ। जीवन के कई सूत्र हमने उससे सीखे, बहुत सारी लाइफ स्किल सीखी। उसी में से एक प्रसंग जो मुझे लगता है कि वर्तमान समय में इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट बहुत उपयुक्त है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो प्रसंग है सीता जी के वाल्मीकि आश्रम जाने के बाद। एक बार लक्ष्मण और आर्य सुमंत आपस में चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे सुमंत, मैंने तो सोचा था कि वनवास से आने के पश्चात अब हमारा महल हर्ष उल्लास और खुशियों से भरा रहेगा, परंतु ये क्या, फिर से इतना दारुण दुख हो गया। काश हम सब अपना भविष्य देख पाते तो मैं ऐसा कभी होने ही नहीं देता। इस पर आर्य सुमंत कहते हैं कि हे राजकुमार, मुझे तो ये भविष्य की होनी पहले से ही पता थी। एक बार महाराज दशरथ ने एक ब्रह्म ऋषि से अपने चारों पुत्रों का भविष्य जान लिया था, उस वक्त मैं भी वहां मौजूद था। लक्ष्मण बड़े आश्चर्य से कहते हैं, फिर आपने ये सब रोका क्यों नहीं, होने क्यों दिया? सुमंत कहते हैं, मैंने बहुत प्रयास किया पर होनी को रोक नहीं पाए। लक्ष्मण इस प्रश्न को लेकर भगवान राम के पास जाते हैं कि हे प्रभु, ईश्वर ने हमें अपना भविष्य देखने की शक्ति क्यों नहीं दी? अगर ऐसा होता तो हम भविष्य के आने वाली मुसीबतों से बच जाते। इस पर राम मुस्कान कहते हैं, हे लक्ष्मण, पहली बात तो हम सब कर्म के विधान से बंधे हुए हैं, इसलिए यदि हमें भविष्य जानने की शक्ति मिल भी जाती तो जो भी हमें कर्म के अनुरूप फल मिलना है वो तो मिलकर ही रहता। यदि हमने कोई कर्म ऐसा किया है जिसके फलस्वरूप कोई मुसीबत या दुख जीवन में आना है, वो आकर ही रहेगा, क्योंकि निजकृत कर्म भोग संभ्रात। दूसरी बात, भविष्य में आने वाली परेशानियों को पहले से जानकर हम तैयारी नहीं करेंगे बल्कि हम ज़्यादा भयभीत हो जाएंगे, और यदि कोई खुशी का क्षण आने वाला है तो हम पहले से अति उत्साहित हो जाएंगे और फिर उसका सही आनंद नहीं। इसीलिए भविष्य को जानने से बेहतर है कि हम वर्तमान में हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है कि रामायण का ये एक सूत्र अभी सबसे ज़्यादा हमारे काम का है। प्रेजेंट क्राइसिस की जो सिचुएशन है, जो चैलेंजिंग टाइम्स हमारे पास है, चाहे अनचाहे बहुत सारी शंकाएं आशंकाएं हमारे मन में आती रहती हैं, भविष्य को लेकर अनिश्चितता हमारे मन में आती रहती है और हम अपने आज का वर्तमान का सुख गंवाते रहते हैं। तो हम इस सूत्र को ध्यान में रखें कि भविष्य को जानने पर भी हम होनी को रोक नहीं पाएंगे, और पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस बात पे लगा दें कि आज के हमारे दिन में हम अपना और अपनों की खुशियों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, हैप्पीनेस ग्राफ को कैसे बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी है सिर्फ वो प्रिकॉशंस रखना जो हम बार बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, जीवन, और जैसा कि मैंने कहा, जीवन के 5 आधार स्तंभ, 5 एम्पायर्स ऑफ आवर लाइफ, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, एनर्जीज, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी। अब होता ये है कि हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हम उसकी न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखते हैं। रोज़ दिन में 3 वक्त खाना खाते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि हमें पता है कि यदि हम रोज़ खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी की एनर्जी लो होगी, वो उससे वीक हो जाएगी और हम बीमार पड़ सकते हैं। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम एक जैसा खाना खाकर भी हम ये नहीं कहते कि ये रिपीट हो रहा है या हम इससे बहुत ज़्यादा बोर हो गए। हमें पता है कि हमारी बॉडी की वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, पर बात जब हमारे मेंटल डाइट की आती है तो हम इसमें कोताही बरतते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा मेंटल फूड क्या है, इनटेक की बात तो बहुत दूर है। और जब हम अपने माइंड को, अपने इमोशंस को, थॉट्स को सही इनटेक नहीं प्रोवाइड करवा पाते तो इसका नतीजा ये होता है कि थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, इमोशंस वीक हो जाते हैं और एनर्जीज लो हो जाती हैं। और यही कारण है कि हम जीवन में एक अजीब तरह की एम्प्टीनेस, एक अभाव न्यूनता का सामना करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के साथ साथ अपने इमोशंस, अपने थॉट्स और अपनी एनर्जीज को हेल्दी रखने का भी पूरा ध्यान हमें करना पड़ेगा। और इसका सिर्फ एक यही तरीका है कि अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी बातें सुनें, अच्छी बातें पढ़ें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अच्छे वीडियोस देखें,
वर्तमान में सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हर क्षण हम खुश रहें और अपने अपनों को खुश रहें। इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपसे रेगुलरली मिलती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्।